तो सबसे पहले है आपका रिजल्ट हम देखेंगे। तो रिजल्ट आज आप लोग का कैसा रहा होगा? ठीक, तो रिजल्ट है सबसे पहले आज का अमन, अमन है आपके 96 नंबर, आशुतोष कुमार शर्मा 84 नंबर, दीपू कुमार 36 नंबर, कौशिक कुमार पाए हैं 60 नंबर, मोहम्मद फरहान अख्तर 20 नंबर, इनको और मेहनत की जरूरत है, मोहम्मद शहरे आलम है इनको चाहिए 46, ये हैं 46 नंबर पास हो गए हैं, शाकिर आलम 16 नंबर और टुन्नू कुमार पाए हैं 62 नंबर। ये है आप लोगों का रिजल्ट, और इसके बाद से अब हम चलेंगे सॉल्यूशन क्लास की तरफ। तो सॉल्यूशन क्लास के लिए हम आज खोलते हैं कौशिक का, एक डिटेल खोलते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चनिंग होगा लास्ट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है? तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है स्क्रू थ्रेड की पिच, बल्कि स्क्रू थ्रेड की पिच से नहीं नापा जाता है, पिच होता है, लेकिन उनका जो मेजर डाया होता है, जैसे कि स्क्रू थ्रेड का जो मेजर डाया होता है उसको जो है हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा ही मापते हैं, स्क्रू थ्रेड की मेजर डाया को, जो स्क्रू थ्रेड का जो मेजर डाया को पिच ही होता है, एक पोजीशन होती है, जैसे कि टॉप की जो पोजीशन होती है उससे ही उसके मेजर डाया को ही नापा जाता है स्क्रू थ्रेड के द्वारा। ठीक, अमेरिकन नेशनल थ्रेड होता है, देखिए अमेरिकन नेशनल थ्रेड में आपका वी थ्रेड आता है, एक्मे थ्रेड नहीं आता, एक्मे थ्रेड अलग है, वी थ्रेड जो है हमारा अमेरिकन नेशनल थ्रेड में आता है। किन चूड़ियों को अमेरिकन नेशनल थ्रेड के अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने एक्मे थ्रेड डाला था, अमेरिकन नेशनल, देखिए एक्मे थ्रेड एक अलग से अपनी एक पहचान है, वो एक्मे थ्रेड ही है, वो पावर ट्रांसमिशन में भी इसका एक्मे थ्रेड का यूज किया जाता है, बल्कि जो अमेरिकन नेशनल थ्रेड है इसको, इसका दूसरा नाम एक तरीके से कह दिया जाए तो सेलर थ्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ठीक है, फिर किसके द्वारा बाहरी चूड़ियों को बनाया जाता है तथा वह एक मल्टी पॉइंट टूल है? देखिए चेजर को हम डाई कह सकते हैं, लेकिन चेजर एक प्रकार का हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। ठीक है, चेजर, देखिए डाई अगर नॉर्मली अगर हम उसको कहेंगे तो एक ये सिंगल पॉइंट की डाई, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी हो सकता है, लेकिन और चेजर को भी, चेजर एक डाई का ही रूप है, लेकिन यह है कि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसलिए इसको नाम थोड़ा भिन्न कर दिया गया, चेजर कर दिया गया, तो चेजर को हम कहेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक, किसका प्रयोग चेजिंग के लिए या फिर दूरी चूड़ियों को ठीक करने के लिए होता है? डाई नट का, हाफ डाई का नहीं, डाई नट का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो चूड़ियों की दूरी को ठीक, यानी कि जो चूड़ी में जो बर आ जाते हैं उसको अगर सही करना होता है तो हमको डाई नट का प्रयोग किया जाता है, कि उसको थोड़ा सा उसमें घुमा देंगे तो उसमें जो बचे खुचे जो उसमें बर्स रह जाते हैं, स्क्रैप रह जाते हैं, वो उसको हटा देता है, तो ये डाई नट का प्रयोग उस चीज के लिए किया जाता है। चूड़ियों को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूड़ियों को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई मापी यंत्रों का प्रयोग होता है, जो चूड़ी को चेक करने के लिए जो मापी यंत्र होते हैं उसी का ही हम प्रयोग करते हैं, उसमें कई, जैसे कि जो उसमें कई नाम दिया है, उसमें जितने नाम दिए हैं सबका ही प्रयोग होता है चूड़ी चेक करने के लिए,
और इन्होंने कोई नहीं आंसर दिया है। तो बल्कि इसमें मापी यंत्र जो जो चूड़ी चेक करने के लिए यूज होते हैं उसमें कई दिए थे, केज भी दिया था और भी एक दिया था। तो इसमें उसका सही आंसर आपका है मापी यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, चूड़ी के अंदरूनी भाग को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेज का चेक किए गेज का प्रयोग किया जाता है, गेज का। ठीक, निम्न में से 60 डिग्री का कोण किन किन का होता है? अब आप ये आप पढ़े होंगे, चाहे सर आप लोग को पढ़ाए होंगे कि जो गेज हो जो कौन सा थ्रेड है, जिस मतलब कि किस प्रकार का थ्रेड जो है, जिनका जो एंगल जो रूट में जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 60 डिग्री के किसका बनता है? तो वो हमारा बनता है आपका लगभग सभी शार्प वी थ्रेड का तो बनता ही है, लगभग सभी का आकार 60 डिग्री में ही पाया जाता है। कौन कौन सा थ्रेड होता था? आपका वी थ्रेड भी 60 डिग्री में पाया जाता है, ना? देखिए, शार्प वी थ्रेड का भी, अमेरिकन नेशनल थ्रेड का भी जो है वो कंडीशन के अनुरूप, जो कुछ कुछ जो थ्रेड्स हैं उनके कंडीशन के अनुरूप उनके थ्रेड बदले जाते हैं। लेकिन ये कि मैक्सिममली देखा जाएगा तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वे में 60 डिग्री का ही रखा जाता है। लेकिन ये है कि कई थ्रेड के शेप से किसी का एक्मे थ्रेड का शायद 29 डिग्री है, और इसमें दिया है कि मेट्रिक थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और शार्प वी थ्रेड, ये तीनों के जो कोण हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, निम्न में से किन थ्रेड का कोण 55 डिग्री का होता है? बीएसडब्ल्यू का थ्रेड का नहीं होता है, मतलब कि ये बीएसडब्ल्यू का भी होता है और भी जैसे कि बीएसडब्ल्यू हो गए, बीए थ्रेड्स हो गए, उन सभी लोग सभी में का भी जो थ्रेड होता है आपका 55 डिग्री का भी होता है। बीए थ्रेड हो गया, बीएसपी थ्रेड है, बीएसडब्ल्यू हो गया, इन सब का जो कोण होता है 55 डिग्री के ऊपर भी, 55 भी होता है, कहीं 47.1 1/2 डिग्री भी होता है, मतलब कि लगभग में 55 डिग्री ये माना जाता है। निम्न में से किस थ्रेड का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? पावर पर ट्रांसमिशन के लिए दो थ्रेड का हमेशा प्रयोग किया जाता है, एक एक्मे थ्रेड और एक स्क्वायर थ्रेड। ये दोनों जो थ्रेड हैं इनको पावर ट्रांसमिशन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हैवी देखिए, जो स्क्वायर थ्रेड है उसको हैवी ड्यूटी के लिए, यानी कि जैसे कि लीड स्क्रू स्क्रू में जो यूज होते हैं आपके एक्मे थ्रेड और क्या नाम है स्क्वायर थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं। मशीनों के कंपोनेंट में भीतरी चूड़ियां काटने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हैंड टैप का ज्यादातर इस्तेमाल, तो यानी कि उस हैंड टैप को ही दस्ती टेप यहां लिख दिया गया है, लेकिन हैंड टैप ही है। ठीक है ना, जो कंपोनेंट है उनकी भीतरी चूड़ी कैसे काटी जाती है, वो हैंड टैप के द्वारा कहीं काटी जाती है, किस दस्ती टेप के द्वारा ही काटी जाती है ज्यादातर। स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है लीड कहलाती है, चूड़ी की गहराई नहीं कहलाती। थ्रू स्क्रू थ्रेड द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है लीड। ठीक, चूड़ी की गहराई नहीं होती। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमने अमन के एक दो क्वेश्चंस देखे थे,
अमन का भी हम रिजल्ट चेक करेंगे। अमन ने देखिए यहाँ गलती की है, एक छोटा बिना हेड वाला स्क्रू जिसमें स्क्रू ड्राइव के लिए स्लॉट कटी होती है, यानी कि एक स्क्रू ऐसा भी होता है जो कि जैसे कि थ्रेड का जो मेजर डाया होता है आपने देखा होगा, कोई स्क्रू होता है जिनका हेड नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी उसको ऐसी जगह दी जाती है, लेकिन उसका जो डाया है वो आपके मेजर डाया के बराबर ही होता है, हेड जो होता है तो उस पे एक स्लॉट कटी होती है, उसको हम ग्रब स्क्रू ही कहते हैं, मतलब कि उसका हेड नहीं होगा, वो एकदम रहेगा बराबर आपके जो स्क्रू का जो थ्रेड जहां कटा हुआ है उसके जो एक हिस्से में आपका जहां हेड बना होता है वो हेड बना नहीं होता, माउंटेड वो बराबर ही उसी के रहेगा, लेकिन वो जो है उसमें बस एक स्लॉट छोटा सा कटा, कहीं कहीं होता होगा जो जैसे कि पतले होल की तरह होता है, उसमें हमको नट से टाइट करना होता है, नट लगाया जाता है लेकिन उसका हेड नहीं होता, तो वो ले जाके उसमें जाके फिक्स हो जाता है, तो वो ग्रब स्क्रू उसको कहते हैं, सेट स्क्रू नहीं होता, ठीक है ना मां। निम्न में से कौन से थ्रेड का साइज नंबर होता है? देखिए साइज नंबर सिर्फ हमारे बीए थ्रेड का ही होता है, 0 से 10, कहीं 0 से देखिए वर्कशॉप में जाएंगे चाहे कहीं पे भी जो थ्रेड्स जो साइज नंबर होते हैं 0 से लेके आपका 10 तक का होता है, ठीक, कहीं 0 से 25 नंबर का है, इनका साइज नंबर में पाया जाता है, जैसे कि चूड़ियां 0 से 25 नंबर तक की होती हैं, परंतु वर्कशॉप में 0 से 10 तक का ही पाया जाता है, ठीक है, और जो 0 से 25 जो बात हो रही है वो आपका जैसे कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, इन सब जगहों पे इसका यूज होता है, यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कहते हैं, बीए थ्रेड हम कहेंगे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ठीक। और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे नॉर्मली हम देख लें भाई, किन्हीं का गलत होगा तो उनका भी सही हो जाएगा, तो नॉर्मली हम कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे देखते हैं शुरू से देख लें एक बार। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है? तो यहाँ देखिए स्क्रू थ्रेड मेजर डाया का प्रयोग, यहाँ पे आपने देखा ही अमेरिकन नेशनल थ्रेड होते हैं बी थ्रेड। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की वस्तुओं में कौन सी चूड़ी प्रयोग की जाती है? बीए थ्रेड, ठीक। एक की जो शाफ्ट में सेमी सर्कुलर कीवे में फिट होती है को कहा जाता है, जिब हेड की कहा जाता है, सेमी सर्कुलर बना होता है वो जिब हेड की होता है जो कि शाफ्ट में फिट हो जाएगी। एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है? 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री का होता है, और स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं वो एकदम मतलब कि एक कहा जाए तो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे स्क्वायर थ्रेड कहीं पे भी आप देखें एकदम 90 डिग्री पे खांचे कटे होते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड और ये इसीलिए पावर ट्रांसमिशन में कि इनसे पावर ट्रांसमिट किया जा सके, और स्क्वायर थ्रेड का मैक्सिममली यूज होता है आपका हैवी ड्यूटी के लिए, यानी कि बड़े बड़े जहाँ पे
गियर को चेंज करना हो, चाहे कुछ हो, वहां पे एक्मे थ्रेड का हम क्या ना स्क्वायर थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं। क्रेस्ट के रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को, दूरी कौन सी होती है, डेप्थ कहलाती है उसकी, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर दूरी उसको डेप्थ कहते हैं, जो रूट तक क्रेस्ट से लेकर रूट तक जाती है वो उसकी डेप्थ होती है। कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए सोल्यूबल आयल और पानी का सामान्य अनुपात क्या होता है, तो ये हम पिछले बार भी पूछे थे, इस बार भी दिए कि भाई देखिए इस बार सही सभी का होगा, लगभग हमारा सभी का सही है, 1:20 का होता है रेशियो। किन चूड़ियों का प्रयोग वहां होता है जहां पर अधिक कंपन होने की संभावनाएं होती है, तथा इन्हें ऑटोमोबाइल, वायु और मशीन टूल्स में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में इनका प्रयोग, ऑटोमोबाइल, वायु यान और मशीन टूल्स में इन थ्रेडों का प्रयोग है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। किन चूड़ियों को अमेरिकन नेशनल थ्रेड के अन्य किसी नाम से जानते हैं, सेलर थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक, जो हमने अभी आपको उससे पहले बताया। किस गेज में दो एनविल लगे होते हैं और जिनके बीच थ्रेड लगाकर चेक किया जाता है, स्क्रू गेज, कैलिपर गेज, ठीक, ये स्क्रू गेज और कैलिपर गेज दो एनविल किस गेज में दो एनविल यानी कि इसके द्वारा ही चेक किया जाता है, स्क्रू गेज, कैलिपर गेज के द्वारा। किस चूड़ी में चूड़ी की लीड चूड़ी की पिच के बराबर होती है, इकहरी चाल थ्रेड में, यानी कि इकहरा है उसकी एक चाल होती है जिसके जिसमें आपका चूड़ी जो जिसमें चूड़ी की जो लीड है वो चूड़ी की पिच के बराबर होता है। किस थ्रेड के रूट क्रेस्ट व गहराई समान होती है, स्क्वायर थ्रेड में जो रूट की गहराई होगी और गहराई होगी और क्रेस्ट जो होता है वो बराबर होता है। किसके द्वारा बाहरी चूड़ियों को बनाया जाता है, तथा वह एक मल्टी पॉइंट चेजर, ठीक है, किसका प्रयोग चेजिंग के लिए या फिर दूरी चूड़ियों को ठीक करने के लिए होता है, डाइनट का, ठीक। किस गोल आकार के जॉब की बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी से लगातार आगे बढ़ती हुई घुमावदार और झुकी हुई झर्रियों को क्या कहा जाता है, भाई चूड़िया कहते हैं, जो झर्रियां बनाई जाती हैं वो आपका चूड़ी कहा जाता है, ठीक, चूड़िया कहा जाता है। कौन सा भाग मुख्य रूप से लेथ मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है, स्टेडी रेस्ट, जो लेथ में जो लंबे जॉब होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेडी रेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट होता है सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक, ये पिछले भी क्वेश्चन दिए थे हमने। चूड़िया बनाने की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधि चूड़िया बनाने की, विभिन्न प्रकार की चूड़िया बनाने की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी, उपरोक्त जितनी भी थी वो सभी चूड़ियों बनाने की विधि है। चूड़ियों को चेक करने के लिए किस का प्रयोग होता है, मापी यंत्रों का प्रयोग होता है। चूड़ी के अंदरूनी भाग को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गेज का प्रयोग करते हैं। चूड़ी के मेजर डायमीटर व माइनर डायमीटर के अंतर का आधा कहलाता है। चूड़ी की एकल गहराई, चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जो चूड़ी का जो सेंटर होता है, सेंटर आप कहां से मानेंगे, यानी कि आपके आपके मेजर डायर से लेके माइनर डायर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच कहेंगे, सेंटर यानी कि उसका चूड़ी का जो सेंटर होता है, दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वो पिच कहा जाता है, ठीक।
चूड़ी की दो साइडों को मिलाने वाली ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। जो ऊपरी सतह जो दो मतलब कि जो ऊपरी सतह आती है, जो दो जो ढाल होते हैं ऊपर में आके जहाँ हम मिलाते हैं, ये वाला जो पोजीशन होता है ये हमारा क्रेस्ट कहलाता है, ठीक, जो टॉप में होता है। चूड़ी की दो साइडें नीचे की ओर जिस सतह पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? रूट, यानी कि अंदरूनी अंदरूनी जहां पे ढाल में, अभी पहले क्या कहा था, ऊपर के टॉप को, तो वो क्रेस्ट हो गया। अब नीचे के ढाल जो अंदर के हिस्से को जो हम कहते हैं, जैसे कि नीचे वाला पोजीशन, उसको हम रूट कहेंगे। चार जबड़ा वाले चक की डिमेरिट क्या है? भारी कट दी जा सकती है, ठीक। ये इसका डिमेरिट है, भारी कट नहीं दिया जा सकता। जिन चूड़ियों का झुकाव दाईं ओर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट हैंड चूड़ियां। अब बाएं साइड होंगी, बाएं साइड का झुकाव होगा तो लेफ्ट हैंड चूड़ियां। जैसे कि जो चूड़ियां घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते समय किसी कसी जाए उन्हें कहा जाता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। जो चूड़ियां घड़ी की सुई की दिशा में घूमते समय कसी जाए उन्हें कहते हैं राइट हैंड थ्रेड। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसका सिद्धांत रैक एंड पिनियन का सिद्धांत होता है, ठीक है। थंब स्क्रू का हेड डैश आकार में होता है, सर्कुलर। थंब स्क्रू जो होता है उनका जो आकार होता है वो सर्कुलर होता है। थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को क्या कहा जाता है? मेजर डायमीटर। ये सभी आप लोग स्क्रू का थ्रेड का पढ़े होंगे, तो उसमें जो आउटर डाया जो कहा जाता है उसको मेजर डायमीटर ही कहते हैं। नट का सबसे अधिक सामान्य आकार होता है हेक्सागोनल। जिस नॉर्मली अगर आप किसी नट का जो हेड अगर आप देखोगे तो हेक्सागोनल शेप में ही पाओगे नॉर्मली। कहीं कहीं आपको स्क्वायर हेड मिल जाएगा, कहीं कहीं ही मिल पाओगे, नहीं तो मैक्सिममली आप हेक्सागोनल ही पाओगे। निम्न में से कौन सा ग्रीस का उद्देश्य नहीं है? बियरिंग में उत्पन्न होने वाली हीट को दूर करना है, ये बियरिंग का उद्देश्य नहीं है, दूर नहीं कर पाएगा वो। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो ग्रीस क्या होगा, वो पिघल जाता है हल्का भी हल्का, जैसे जैसे उसका कार का उसमें कार्बन बढ़ना शुरू होगा तो वो पिघलता चला जाएगा हीट होने, क्योंकि जलता भी है ग्रीस, जलेगा भी, जलेगा तो वो पिघलेगा। निम्न में कौन सी थ्रेड वी थ्रेड नहीं है? नकल थ्रेड जो होती है वो वी थ्रेड नहीं होती। भारतीय स्टैंडर्ड थ्रेड को प्रकट करने के लिए किस अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच लिखा जाता है? एम अक्षर के साथ, ठीक। मल्टीपल थ्रेड के एक चक्कर में यह दूरी तय करता है लीड के समान, लीड के समान ही होता है। मल्टीपल थ्रेड के एक चक्कर को यह दूरी तय करता है लीड के समान। मल्टी स्टार्ट स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग करते हैं जब कम घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो, तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के कंपोनेंट में भीतरी चूड़ियां काटने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डस्टी टेप का होता है। मोटी पिच और महीन पिच की मानक वी चूड़ियां काटने के लिए
किसका प्रयोग होता है? टेप और डाई का। लेथ के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ियां कटी होती हैं? एक्मे थ्रेड कटी होती है। जो लीड स्क्रू होती है लेथ की, उसमें एक्मे थ्रेड कटा होता है। लीड का मानक ज्ञात मान ज्ञात करने के लिए पिच को उससे गुणा किया जाता है, नंबर ऑफ स्टार्ट्स। शार्प थ्रेड का कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। जो शार्प थ्रेड होते हैं उनका जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, और वी थ्रेड का भी कोण आपका 60 डिग्री का ही होता है। स्प्लैश लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा उदाहरण हमने आपको पिछले एग्जाम में ही दिया था और बताया था, तो सही आंसर आप लोगों ने लगाया है रिंग लुब्रिकेटर, ठीक। और सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है आपका ग्रीस। तो ये था आपका आज का सॉल्यूशन, ठीक। और अब आप क्वेश्चनिंग